बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टी टेस्ट के ऊपर। टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपका 2 मिनट में टी टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट टी टेस्ट। तो हियर वी गो एसपीएस शीट। एसपीएस में सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज के बाद हम कंपेयर मीन्स पे, देन हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसको सेट करेंगे। अब इसमें आपने टेस्ट वेरिएबल में आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड कर देना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होगा कि आपके मेरे पास टीजेपी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, टेस्ट वेरिएशन में, सॉरी टेस्ट वेरिएशन में मेरे पास डिपेंडेंट जो है ठीक है जो परफॉर्मेंस है, और इंडिपेंडेंट जो है मेरे पास जेंडर है। सो हम इसको इधर ठीक है जो परफॉर्मेंस आ गया टेस्ट वेरिएशन में, और ग्रुपिंग वेरिएबल में मेरे पास आ गया जेंडर। हम जेंडर को मैं आपको एक दफा दोबारा चेक करके दिखा देती हूँ। जेंडर जस्ट चेक करने के बाद हमने डिफाइन ग्रुप कर देना है। जैसे आप जेंडर ग्रुपिंग वेरिएबल में कैसे आ रहा है कि 1 हमने मेल को दिया हुआ, 2 फीमेल को, इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और 95 पे हमें चाहिए, कंटिन्यू पे 95 एंड ओके। सो हियर यू कैन सी द आउटपुट, मेल एंड फीमेल 220 मेल है हमारे पास, 177 फीमेल है, यानी कि इक्वल रेशो नहीं है। मेल हमारे पास 94 मेल का है और 95 फीमेल का है, और ये स्टैंडर्ड एवरेज है, स्टैंडर्ड एरर, और देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.645 है। टी टेस्ट जो है वो माइनस में है हमारे पास, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन टेबल्स को अब हमें इंटरप्रेट कैसे करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। पहले हम सारे टेस्ट लगा लेंगे और इन टेस्ट को आप सेव करते जाएँ, एक वर्ड की फाइल लें, उसके ऊपर इसको कॉपी पेस्ट कर लें। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, इसमें मैं फिर आपको एक दफ़ा शो करवा देती हूँ। तो ये आपको एक आधी वर्ड की फाइल, ब्लैंक वर्ड की फाइल है, जितने भी टेस्ट इंक्लूड करें टेस्ट का नेम लिखे, जैसे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप किसी भी कमांड ना मिले। अगर कमांड भूल जाए तो फिर आपके पास वीडियो सेव है, उधर से आप चैनल पे जाएं और वीडियो का लिंक क्लिक करें और उसके ऊपर जाके वीडियो देखें। अब ये आउटपुट वाली फाइल पर जाना, सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे, कॉपी की ऑप्शन आएगी, राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें, ये आपका फर्स्ट टेबल कॉपी हो गया। बिल्कुल इस लेफ्ट पर डबल क्लिक करें, कॉपी की ऑप्शन, राइट क्लिक किया एंड देन कंट्रोल वी, इसको पेस्ट कर देंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आउटपुट फाइल को भी सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस करें आउटपुट फाइल पे, और इसको जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए वहाँ सेव कर दें इसको। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आपको क्या दिखाएं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें अपना टॉपिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आएगी। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।